क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। सबसे पहले तो बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, गिवन है हमें ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ओके, और हमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो डायगनल हैं, डायगनल ए सी और डायगनल बी डी, ये डायगनल ए सी और बी डी जो ये फोर पार्ट बनाते हैं, इन चारों के एरिया आपस में कैसे हैं इक्वल, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर इनके जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, इनका नाम हमने रख दिया ओ। ठीक है, अब देखिए कैसे करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम को, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वल रहा होगा इसके, है ना? अगर ये इक्वल है इसके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये बी डी है, बी डी लाइन, उस पर ये ओ क्या है? मिड पॉइंट, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो टू प्रूफ में तो सबसे पहले हम यही लिखने वाले हैं कि हम एरिया ओ ए बी, और कौन सा एरिया? ओ ए डी, और एरिया ओ सी डी एंड एरिया ओ सी बी, ये सब आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं, ये प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ बिल्कुल आसान है, क्योंकि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यही सबसे पहले लिख देता हूं मैं, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल बी सी डी में ओ क्या रहा होगा? मिड पॉइंट। तो ये सी ओ क्या रहा होगा? मीडियन। ये बात आती है समझ में? ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ बी किसके इक्वल है बताइए? ओ डी के। इस बात से आपको क्या समझ आता है कि डी क्या है? मिड पॉइंट। इससे ये समझ आता है डी मिड पॉइंट है, और सॉरी ओ क्या है? मिड पॉइंट। ओ क्या है? मिड पॉइंट। अगर ओ मिड पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सी ओ क्या है? मीडियन। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं सी ओ इज मीडियन। ये तीनों बातें समझ आ गई? डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ क्या है? मिड पॉइंट। और ये ओ मिड पॉइंट है, तो सी ओ क्या है? मीडियन। अगर सी ओ मीडियन है, तो वो इस ट्राइंगल बी सी डी को दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम है। ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? बी सी डी, है ना? इन ट्राइंगल बी सी डी क्या लिखोगे? सी ओ इज मीडियन। अगर सी ओ मीडियन है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ओ सी बी या ओ बी सी लिख लेता हूँ, ओ बी सी किसके इक्वल होगा? एरिया ओ सी डी के। ये बात आती है समझ में? मीडियन जो है वो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। अब फिर से इस वाले ट्राइंगल को देखो आप ध्यान से। इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो ट्राइंगल का नाम है ए बी डी। ओ क्या है? बी डी का मिड पॉइंट। तो ए ओ क्या होगा? मीडियन, है ना? यहाँ पर हम ओ मिड पॉइंट कहने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सी ओ भी मीडियन है और ए ओ भी क्या है? मीडियन। तो ए ओ इज मीडियन। ठीक है, अगर ए ओ मीडियन है, तो वो इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, दो इक्वल एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया
OAB इक्वल होगा एरिया OAD के। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट थी। अभी तक हम क्या क्या इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि ये मीडियन है तो ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये मीडियन है इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों और ये दोनों तो इक्वल हो चुके। ठीक, अब हम क्या करें, हाँ इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर लें, है ना, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये हम इसके इक्वल तो प्रूफ कर चुके हैं और ये इसके इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, अगर ये इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए इनमें कॉन्ग्रेंसी लगा दो, ट्राइंगल का क्या नाम है, या फिर एक काम और जरूरत नहीं है कॉन्ग्रेंसी लगाने की, एक काम कर सकते हैं ए सी क्या है, ए सी डायगनल है और ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी आपस में कैसे हैं, इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो ओ बी क्या रहा होगा, मीडियन, है ना, ओ बी क्या रहा होगा, मीडियन, ओ ए मिड पॉइंट रहा होगा, है ना। तो ट्राइंगल का नाम ले रहे हैं हम ए बी सी, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ए बी सी में क्योंकि ए ओ इक्वल है ओ सी के और ओ मिड पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी ओ इस लाइन पर क्या रहा होगा, मीडियन। तो यहाँ लिख लेते हैं बी ओ इज मीडियन। ठीक है, अगर बी ओ मीडियन है तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ओ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ओ बी सी के। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो ओ बी सी किसके इक्वल था, ओ सी डी के, और ओ ए बी किसके इक्वल था, ओ ए डी के। ठीक है, तो देखो अब क्या क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ओ ए बी किसके इक्वल आया था, एरिया ओ ए डी के, पहले ये इक्वल आया था, बट अब ओ ए बी ऑल्सो किसके इक्वल आ चुका है, ओ बी सी के, तो ये ऑल्सो इक्वल है एरिया ओ बी सी के, बट एरिया ओ बी सी ऑल्सो किसके इक्वल है, एरिया ओ सी डी के, तो ये ऑल्सो इक्वल है एरिया ओ सी डी के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चारों एरिया आपस में इक्वल होंगे। तो ये हम एक थ्योरम भी बना सकते हैं, एक रिजल्ट बना सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं, है ना, वो जो चार एरिया वहाँ पर बनाते हैं वो चारों एरिया आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का एक आपको फिगर गिवन है, वो फिगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, सी यहाँ पर है, यहाँ ए, ये बी और ये डी है, और सी से डी को ज्वाइन किया हुआ है, और ये ओ है, और सी ओ और ओ डी आपस में इक्वल हैं, ये बताया हुआ है। हमें जो शो करना है वो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, वो है एरिया ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ए बी डी, ये मुझे शो करना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए क्या क्या लाना है। एक तो ये आपके सामने फिगर गिवन है, इस फिगर में ए बी सी, ए बी सी ये वाला एरिया इक्वल प्रूफ करना है ए बी डी के, ए बी डी के, तो ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कैसे प्रूफ करने हैं, इक्वल, इनके एरिया आपस में इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो ओके कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ओ सी किसके इक्वल है, ओ डी के, ये हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले यही बात, ओ सी इक्वल है ओ डी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर ओ सी इक्वल है ओ डी के तो मैं कह सकता हूँ कि ओ मिड पॉइंट रहा होगा किसका, सी डी का, है ना। ठीक, देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब अगर ओ मिड पॉइंट है
तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए ओ क्या रहा होगा मीडियन और बी ओ क्या रहा होगा मीडियन। इतनी बात आती है समझ में? ठीक, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का नाम देखिए, ट्रायंगल का नाम क्या है ए सी डी, ये दिखाई दे रहा है सबको, ट्रायंगल का नाम है ए सी डी। अब क्योंकि ए मिड ओ मिड पॉइंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ए ओ इज मीडियन। अगर ए ओ मीडियन है तो इस ट्रायंगल को ये मीडियन दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा, तो ये एरिया इक्वल आ गया इसके एरिया ए ओ सी इक्वल आ गया किसके एरिया ए ओ डी के। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान। अब दूसरी चीज क्या है, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ बी सी डी, इस ट्रायंगल बी सी डी में ओ क्या है मिड पॉइंट, तो ओ भी क्या होगा मीडियन। ट्रायंगल का नाम है बी सी डी और बी ओ एज मीडियन। ठीक है, बी सी डी ट्रायंगल में अगर बी ओ मीडियन है तो ये दोनों एरिया आपस में कैसे होंगे इक्वल, तो क्या क्या नाम है इनके, बी ओ सी एरिया का नाम है बी ओ सी इक्वल होगा किसके एरिया बी ओ डी के। ठीक है, दिस इज सेकंड, फिर से बिल्कुल आसान, ये वाले ट्रायंगल में ये मीडियन था तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, इस वाले ट्रायंगल में ये मीडियन है तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो गए। इतनी बात आ गई समझ में? अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करा देता हूँ, तो अब कह रहा हूँ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जब मैं ऐड कराऊंगा तो देखो क्या क्या ऐड होगा, एरिया ए ओ सी प्लस एरिया बी ओ सी इक्वल्स टू, इस साइड में क्या क्या ऐड होगा, एरिया ए ओ डी प्लस एरिया बी ओ डी। ठीक, ये वाला इधर ऐड हो गए और ये दोनों यहाँ ऐड हो गए। अब ए ओ सी और बी ओ सी को ऐड कर लो, ए ओ सी और बी ओ सी, अगर ये दोनों एरिया ऐड करा लिए जाएं तो ये कंप्लीट ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। इस कंप्लीट ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ये आ गया। ठीक, फिर से एरिया ए ओ डी ये है और एरिया बी ओ डी ये है, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो ये ट्रायंगल आ जाएगा, इसका क्या नाम है, एरिया ए बी डी, ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो बिल्कुल आसानी से किया, कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, फिगर में समझ सकते हो, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ए ओ मीडियन है, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि बी ओ मीडियन है। ठीक है, फिर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तब ये इसके साथ ऐड होता है तो ये ट्रायंगल आ जाता है, ये इसके साथ ऐड होगा ये ट्रायंगल आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, मुझे सबसे पहले तो चाहिए एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में डी मिड पॉइंट है बी सी का डी, और फिर सी ए का मिड पॉइंट है ई, और नेक्स्ट है मेरे पास एफ। ओके, ये मिड पॉइंट्स हैं, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, ये शो करना है मुझे, जो मुझे शो करना है वो मैं यहाँ पर सबसे पहले नोट करूँगा। फर्स्ट मुझे शो करना है बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम, सेकंड क्वांटिटी जो शो करनी है वो है एरिया डी ई एफ इक्वल दिखाना है किसके, 1/4 पार्ट है ये एरिया ए बी सी का, और थर्ड जो दिखाना है वो है ये एरिया बी डी ई एफ इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। ठीक है, ये तीन क्वांटिटी दिखानी है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बी डी ई एफ,
BDEF। सबसे पहले तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ये मुझे क्या शो करना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कैसे करें इसको, पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, एफ क्या है, मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट, देन एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, वाई कौन सी, चैप्टर नंबर 8 मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के, बी सी के, होगी या नहीं होगी। और ऑल्सो एफ ई क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी, ये कह सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी, अब मुझे ये लिखना होगा यहाँ पर कि एफ ई पैरेलल रहा होगा किसके, बी सी के, है ना, और एफ ई इक्वल रहा होगा किसके, हाफ ऑफ बी सी के। ये बात हमने कैसे कही है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बिल्कुल आसान है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल भी होगा इसके और हाफ के इक्वल भी होगा। ठीक है, अब ये देखो कि अगर एफ ई पैरेलल है बी सी के तो एफ ई ऑल्सो पैरेलल रहा होगा किसके, बी डी के। यहाँ से ये बना सकते हैं, एफ ई ऑल्सो पैरेलल रहा होगा बी डी के। एंड एक चीज़ और देखिए आप कि डी क्या है, मिड पॉइंट, अगर डी मिड पॉइंट है तो बी सी का हाफ क्या लिखा जा सकता है, बी डी, तो हाफ ऑफ बी सी की जगह क्या लिख दें हम, बी डी। अब आप देखिए एफ ई पैरेलल भी है बी डी के और एफ ई इक्वल भी है बी डी के, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ये थ्योरम हमने और पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट पेयर कैसे हों आपस में, पैरेलल और इक्वल, तो वो क्या बना देते हैं, एक पैरेललोग्राम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ ई या बी डी ई एफ, बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। इतनी बात आ गई समझ में, दो थ्योरम यूज हो गई, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम और एक थ्योरम और जो 8th नंबर पर थी, है ना, 8.8, जिसमें हमने कहा था कि इक्वल हों और पैरेलल हों तो वो पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो दो थ्योरम हमने यहाँ पर यूज कर लिए। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट तो हो चुका हमारा, अब हमें दिखाना है एरिया डी ई एफ इक्वल है 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी के। डी ई एफ चाहिए, ये वाला जो एरिया है डी ई एफ है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या होगा, 1/4 ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो वो उसको दिखाना बिल्कुल आसान है। आप एक बात याद रखो, मैंने आपको थ्योरम या तो कराई है या मैंने आपको बोला था कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लो कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके डायगोनल्स उन्हें इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके एरिया आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ऐसा हमने किया हुआ है पहले, है ना, तो ये बात याद रखेंगे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं और वो दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो दोनों कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि बी डी ई एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम, यहाँ पर फिर से लिखना शुरू करेंगे, बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम एंड डी एफ इज डायगोनल, डी एफ इज अ डायगोनल। अगर ये डायगोनल है और ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, कौन कौन से एरिया बताइए, एरिया बी एफ डी किसके इक्वल होगा, एरिया क्या नाम है, डी ई एफ के, यहाँ बी डी एफ लिख लेते हैं, बी डी एफ इक्वल होगा एरिया डी ई एफ के। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया। इसमें कोई डाउट है किसी को, जो समझ आएगा कैसे किया, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, एक काम हो गया।
अब आप ये सोचो कि जिस तरह से हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, क्या मैं इसको वैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकता हूँ? हाँ, कैसे? एफ मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट, तो एफ ही पैरेलल होगा किसके? बीसी के। या मैं कह सकता हूँ कि एफ ही पैरेलल रहा होगा किसके? डीसी के। और एफ ई हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है, और हाफ ऑफ बी सी को क्या लिख सकते हैं? डी सी। तो हम ये कह रहे हैं कि एफ ई पैरल भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? पैरलोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरलोग्राम है और डी ई एक डायगनल है, तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से यही सब कुछ चलेगा। तो मैं यहाँ पर सिमिलरली करके लिख रहा हूँ। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि सी डी, और या यहाँ से चलते हैं सी डी एफ ई। सी डी एफ ई क्या है? एक पैरेललोग्राम, एंड डी ई क्या है? एक डायगोनल। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होंगे। एरिया सी डी ई इक्वल होगा किसके? एरिया डी ई एफ के। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट बना। ये समझ आ गया सबको? जो काम इधर किया था वही काम इधर कर लिया। अब तीसरा सिमिलरली एक और काम करना है। क्या हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे बताओ, कैसे करोगे आप? डी क्या है? मिड पॉइंट है। ई क्या है? तो डी ई पैरल रहा होगा किसके? ए बी के। एंड डी ऑल्सो इक्वल होगा हाफ ऑफ, बट हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए एफ। तो ई डी पैरल भी है ए एफ के और इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या रहा होगा? एक पैरललोग्राम इन विच एफ ई क्या है? एक डायगनल। ये एक पैरललोग्राम है और ये डायगनल है। अगर ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है, तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। तो ये मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूँ, ये सारे स्टेप दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, और आप भी एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन से ए ए ई डी एफ, ए ई डी एफ क्या है? एक पैरेललोग्राम, और ई एफ क्या है? एक डायगोनल। ठीक, ये आ गया। अब अगर ई एफ डायगनल है और ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल लिख लेता हूँ। एरिया ए ई एफ, एरिया ए ई एफ इक्वल रहा होगा किसके? एरिया डी ई एफ के। ये मेरे पास आ गया थर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एरिया डी ई एफ इसके इक्वल है ना? एरिया डी ई एफ इसके भी इक्वल है, एरिया डी ई एफ इसके भी इक्वल है। ये वाला जो एरिया है वो इसके भी इक्वल है, ये वाला एरिया इसके भी इक्वल है, और ये एरिया इसके भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये चारों एरिया आपस में इक्वल है। समझ में आता है ना भाई? ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे हुए? इक्वल। बिल्कुल सिंपल है ना? तो हम ये कहेंगे कि ये चारों एरिया आपस में इक्वल है। अब अगर ये चारों एरिया आपस में इक्वल हैं, तो इधर ध्यान दीजिए। ट्रायंगल एबीसी का एरिया अगर आपको निकालना होता, एरिया कौन सा निकालना है? एबीसी। तो वो कैसे निकालते आप? एरिया एबीसी कंप्लीट, कंप्लीट अगर एरिया एबीसी निकालना होता, तो कैसे निकालते? इन चारों एरिया का सम, सम करके तो निकालते। तो मैं यही कर रहा हूँ। एरिया एबीसी अगर मुझे कभी निकालना होता, तो मैं वहाँ पर लिख रहा होता एरिया एईएफ प्लस एरिया डी ई एफ प्लस, और क्या लिख रहे होते बताओ? एरिया सी डी ई प्लस, और क्या लिख रहे होते बताइए? एरिया बी डी एफ। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इन चारों के एरिया के सम के इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का एरिया, है ना? बट आपने तो कहा था कि ए ई एफ किसके इक्वल है? देखिए, ए ई एफ किसके इक्वल है? डी ई एफ के, है ना? तो यानी कि ए ई एफ को क्या लिखा जा सकता है? डी ई एफ।
अच्छा सी डी ई को भी क्या लिखाया जा सकता है, डी ई एफ। अच्छा बी डी एफ को भी क्या लिखाया जा सकता है, डी ई एफ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डी ई एफ लिखोगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी है डी ई एफ, यहाँ भी डी ई एफ, यहाँ भी डी ई एफ, कितने डी ई एफ हो गए, फोर डी ई एफ। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फोर ऑफ एरिया डी ई एफ। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, फोर ऑफ एरिया डी ई एफ किसके इक्वल चल रहा था बताइए, एरिया ए बी सी के चल रहा था। ये फोर यहां पर लेकर आ रहा हूं नीचे, तो देखिए एरिया डी ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी, इस तरह। ठीक, तो आपको ये करना है कि इनको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करके कह दोगे ये डायगनल है तो ये एरिया इक्वल, सिमिलरली ये एरिया इक्वल, सिमिलरली ये एरिया इक्वल, इसका मतलब चारों इक्वल। जब चारों इक्वल आ गए तो आप कहोगे कि इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा सम ऑफ दीज फोर ट्राइंगल्स, बट इनके एरिया आपस में इक्वल हैं और इन सबको क्या लिखा जा सकता है, डी ई एफ, है ना। तो जब इन सबको डी ई एफ लिखोगे आप तो कितने डी ई एफ बन गए, फोर, और ये फोर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो एरिया ऑफ डी ई एफ किसके इक्वल आ गया, 1/4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो चुका, सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूफ कर लिया कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है और एफ डी एक डायगनल है ना। तो ये वाला एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होगा, या मैं कह सकता हूँ कि ये एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, कह सकता हूँ। ठीक, तो क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम देयर फॉर, एंड डी एफ इज डायगनल, डी एफ इज डायगनल। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एरिया बी एफ डी, ये वाला एरिया है ना, या बी डी एफ लिखना चाहिए, बी डी एफ लिख लेते हैं, बी डी एफ किसके इक्वल होगा, एरिया डी ई एफ के, ठीक है। ये डायगनल है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि एरिया डी ई एफ क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल, या हम कह सकते हैं एरिया डी ई एफ इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ के हाफ ऑफ हाफ के इक्वल। ये वाली लाइन समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब देखो एरिया डी ई एफ हम प्रूफ कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, किसके इक्वल, 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी, तो एरिया डी ई एफ की जगह लिख देंगे 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी, और इधर चल रहा है हाफ ऑफ एरिया बी डी ई एफ। ठीक, कैसे चला ये देखो फिर से, ये पैरेललोग्राम है, ये डायगनल है, तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, या मैं कह सकता हूँ कि ये एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा, यहाँ पर आ गए थे। ठीक, फिर हमने कह दिया कि एरिया डी ई एफ किसके इक्वल, हम प्रूफ कर चुके हैं 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी के। ठीक है, यहाँ से इस टू से ये टू टाइम कट जाएगा, है ना, तो इधर क्या बच गया, एरिया बी डी ई एफ, इधर तो ये बचा, और इधर क्या बच गया, 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी। ये इस तरह से इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा, समझ आ गया कैसे किया।